साईं दाता रहबर श्यामस्ताना जी महाराज, जिन्होंने सर्वधर्म संगम चलाया ही नहीं, करना भी सिखाया। आज चार लोग बैठ के अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, राम एक साथ एक ही जगह पे बोल सकते हैं, जो कि और जगह बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहां सब जानते हैं। वो एक ओंकार कहो, ओंकार ओम कहो, द सुप्रीम पावर गॉड, रहमो करम का मालिक अल्लाह ताला, एक ही मालिक के सब नाम, श्यामस्तान जी, शास्त्र नाम जी, दाता रहे पर, जिन्होंने ये एकता का पाठ पढ़ाया, एक रास्ते पे चलना सिखाया कि हम सब एक हैं, हमारा मालिक एक है। भाषा बदलने से मालिक नहीं बदलता। मुर्शिद ने सीधा साधा बड़ा आसान रास्ता बताया, जिसे गुरुमंत्र, कलमा, मैत्र, मेडिटेशन, शब्द, द गॉड्स वर्ड्स, नाम दीक्षा, बहुत से नामों से बुलाया जाता है। थोड़े से अल्फाज दिए, तीन शब्द बताए और ये कहा कि इनका जाप कीजिए, इनका अभ्यास कीजिए, यकीनन आप मालिक की कृपा, दया के पात्र बन जाएंगे और खुशियों से लवरेज हो जाएंगे। उसी तरह मुर्शिदे कामिल ने महापुरुषों के पाक पवित्र वचनों को सदगुरु के उन शब्दों से जोड़ा, जिससे इंसान थोड़े शब्दों से यानी गागर से सागर पी सकता है। हम अरबों बार धन्यवाद, शुक्राना करते हैं ऐसे मुर्शिदे कामिल का। वरना महापुरुषों ने लिखा है, सारी उम्र पढ़ते रहो, दिन रात पढ़ते रहो, अगर अमल नहीं करोगे तो उस पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। और कईयों से तो इतना पढ़ा ही नहीं जाता, तो फायदा कहां से लेंगे। तीन शब्द को जितने बार मर्जी दोहराओ, पांच शब्द को जितने बार मर्जी दोहराओ, दोहराया भी जा सकता है, उन पे अमल भी किया जा सकता है। तो मुर्शिदे कामिल ने ऐसा आसान रास्ता बताया जिसपे आज करोड़ों लोग चल रहे हैं। जब शुरुआत की, सैकड़े सैकड़ों से हजारों तक संख्या पहुंच पाई, लोगों को यकीन नहीं आता था कि कोई इससे इतना जुड़ेगा। पर साईं जी ने वचन किए थे कि यहां से सरसा तक अगर आप थाली प्लेट फेंकेंगे तो वो धरती पे नहीं गिरेगी। अरे बरी, इससे बढ़के होगा। और उनके वचन ज्यों के त्यों सच होते हैं। आज 50-50 किलोमीटर तक मालिक के प्यारों के जाम लग जाते हैं यहां आने के लिए, और थाली यहां नहीं 50 किलोमीटर तक जाती तो भी धरती पे नहीं गिरे, सिर पे ही रहे। सो उन्हीं के वचन, शास्त्र नाम जी दाता रहबर ने वचन किए, दिन दुगनी रात चौगनी, मालिक से प्यार करने वाले जुड़ जाएंगे और वाकई जुड़ रहे हैं। कहीं भी किधर भी सत्संग रखा जाए, पहले होता था पहले सत्संग करेंगे फिर नाम, अब तो पहले ही नाम दे देते हैं। अब मुंबई में सफाई महाअभियान था, अचानक ख्याल आया कि चलो शाम का सत्संग भी रख देते हैं, हर्ज क्या है। हाथों हाथ ये बात हुई, अगले दिन प्रचार हुआ और एक दिन मिला और नाम वाले हो गए लगभग 3000 के करीब। तो कहने का मतलब, ये उनका रहमो करम नहीं तो क्या है। लोग सत्संग पहले सुनते हैं फिर जाके नाम के लिए तैयार होते हैं, लेकिन ये दाता रहबर शास्त्र नाम जी श्यामस्तान जी फरमाया करते कि दिल करता है कुछ छिड़काव कर दें, दिल करता है, पंजाबी में होता सुहागा फेर दिए, कि सुहागा नहीं तो और क्या है। वचन तो वचन है, वो तो पूरे होके रहेंगे और हो रहे हैं और होते रहेंगे। भाग्यशाली हैं हम सब जो उनके रहमो करम से जुड़े हैं। नहीं नहीं,
भाग्यशाली उन्होंने बनाया जिनके रहमो कर्म से हम उनसे जुड़े हैं। तो ऐसे मुर्शिदे कामिल का अवतार महीना है, जैसे हमने आपको कल भी बोला, कईयों को मुश्किल भी आती है कि वचन माने कैसे, और भंगीदास जी भी कुछ बोलते नहीं, शायद बोलेंगे धीरे धीरे, कई बार धीरे स्टार्ट होते हैं। बोला था कि रोज संगत से पूछो और रोज बुराइयां छोड़ना चाहें तो छोड़ो, क्योंकि यहां भगवान, यहां सात संगत होती है, भगवान खुद होते हैं, और वहां जो वायदा आप करते हैं तो उसको निभाना भी आसान होता है और निभाते भी आप जरूर हैं, तो उसकी खुशियां भी हाथों हाथ आती जरूर हैं। इसमें बहुत सारे फायदे आपके हैं, सिर्फ इतना आपको लगता है यार सत्संग में अगर अपने हाथ खड़ा कर लिया तो बड़ी मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं होती, जो हाथ खड़ा करवाएगा चलाएगा भी वही, हिम्मत तो आपने करनी है। सो आप रोजाना बुराइयां छोड़ें, रोजाना वायदे भी करें साथ में कि हां भाई मैं सुमण किया करूंगा, जितना आपका दिल करे, 5 मिनट 10 मिनट, वैसे मन तो करेगा ही नहीं, दिल तो करेगा शायद, मालिक का प्यार लूटना चाहते हो, उससे मोहब्बत बढ़ाना चाहते हो, सो उसी से आपको ये सारी खुशियां मिल सकती हैं अगर आप सुमरण करें तो। बहुत सा संगत, जैसे आपको कल भी बोला था, क्योंकि हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, ट्वीट करते हैं, आज भी कल भी हमने पढ़ा तो वो लिखते हैं पिताजी सपनों में आ जाना, पिताजी दर्शन दे जाना। हमने कब रोका है कि भगवान नहीं आएंगे, पर आप थोड़ा दरवाजा तो खोलो, गेट लगा के बैठ जाते हो, कहीं घर का गेट ना खुला छोड़ देना और सामान उठा के कोई ले जाए। हमारा यहां गेट खोलने से मतलब है मन ने जो ताला लगा रखा है थोड़ा सुमरण तो करो ताकि वो गेट खुल जाए, अंदर का, बाहर वाला नहीं, कहीं सारा गेट खोल दो लक्ष्मी जी आएगी, उस तरह आप सोचो भगवान भी आएंगे, ऐसा मत करना भाई, आपसे विनती है, क्योंकि ना तो लक्ष्मी जी देवी हैं, देव हैं, वो आते हैं ऐसा खोलने से, और ना भगवान आते हैं, क्योंकि उसके लिए जरूरी है दिलो दिमाग का दरवाजा खोलना। आप सुमरण करके सोएं, दूसरों से ईर्ष्या नफरत छोड़ें, आप तो सोते हैं दूसरों को आंखें दिखा दिखा के, अच्छा ऐसे लेटा है, मैं वैसे लेटूंगा, तेरे को क्या, जैसे मर्जी लेटे, अगले ने लेटना है। कईयों को यही चक्कर पड़ा रहता है, ये घुटने ऊपर उठा के क्यों सोता है, ये नीचे करके क्यों सोता है, ये टेढ़ा क्यों सोता है, ये उल्टा क्यों सोता है, ये सीधा क्यों सोता है, तेरे को क्या भाई, वो तो नाच के सोएगा, अगली की मर्जी सोना है, जैसे मर्जी सोए, बिना वजह दिमाग लगाना, बिना वजह अपने खोपड़े को घुमाए जाना, खर्चा करे जाना दिमाग का, इसकी वजह ये लगा लो ना भगवान जी कैसे आएंगे, वो दर्शन खड़े देंगे या बैठ के, मालिक मजा आ जाए ऐसे दो तो, और फिर सिमरन करने लग जाओ, कहां तो इधर दिमाग लगाना और कहां बिना वजह, ये ऐसे है, ये वैसे है, ये कैसे है, छोड़ दो इन चीजों को। साई जी के इस महीने में कुछ तो त्याग कर दो, काफी सारे त्याग कर रखे हैं सात संगत ने, ऐसी चीजों से भी त्याग कर दो। सोते सोते ये मत सोचा करो मेरी दुकान के बराबर दुकान वाला यार ज्यादा ही होशियार है, फलां ज्यादा ही ठगी मारता है, तेरे को क्या, जैसा करेगा वैसा भरेगा, तू सही रहे। सो ईर्ष्या नफरत त्याग दो, दूसरों को बुरा कहना छोड़ दो, सदगुरु मुर्शिद पे सब कुछ छोड़ के सुमण करो, भक्ति इबादत करो। आदमी अपने गिरेबान में नहीं देखता मैं कैसा हूं, और उम्मीदें इतनी रख लेता है मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, फलां भी चाहिए, और खुद के बारे में देखो दिए तले अंधेरा, सारी कमियां ही कमियां हैं, उधर ध्यान नहीं है। आप पहले पाक साहब बन के तो दिखाओ, फिर देखते हैं मालिक कैसे नहीं आता, वो तो पास आके पूछेगा सुना बेटा क्या चाहिए, पर उसके काबिल तो बनो, उसके लायक तो बनो। कीचड़ में कमल खिलता है, इस कलयुग में मालिक को पाया जा सकता है, पर भावना तो शुद्ध होनी चाहिए, विचारों का तो शुद्धिकरण करो, कभी भी किसी आदमी की परवाह ना करो। हम एक बात जानते हैं, शुरू से सदगुरु मुर्शिद ने, बचपन से कह लीजिए, गर्भ से कह लीजिए, जैसा सदगुरु ने ख्याल दिया कि कभी भी आदमी के कहने में ना हो। आप सेवा करते हैं सदगुरु मौला वाहिगुरु राम कौर खुदा के लिए, भले काम करते हैं अपने सदगुरु के लिए, अच्छे कामों में चलते हैं अपने सदगुरु के लिए, और आदमी आके आपको कह दे, कोई ताना मार दे, टोंट कस दे, अरे वाह क्या कुर्बानी आपकी, उसके कहने से हट जाओ, ना 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 ना,
कहीं आप सोचो यार फला सेवादार तो खास है, वो तो खासम खास, क्या ऐसा यहां कोई दर्जा दिया जाता है उसके प्लेट लगी होती है कि वो खासम खास है? खासम खास तो एक ही है, वो है खसम, दूसरा कोई खासम खास नहीं है। वो राम, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो गॉड, वही खासम खास है। तो फिर आप बिना वजह खुद ही बना लेते हो, ये तो खासम खास, उसने कुछ बात कह दी खुद ही, हाँ अच्छा ऐसा कहा, मैं नहीं आता। क्यों नहीं भाई, सतगुरु से प्यार किया है, उस बंदे से किया है क्या? अल्लाह वाहिगुरु राम से प्रीति जोड़ी है क्या? आदमी से जोड़ी है क्या? मालिक के इश्क में, अल्लाह राम के इश्क में तो कहते हैं जमदूत भी आ जाए, जमराज का पहरा हो, बबर शेर आ जाए, तो परवाह नहीं, हम तो रास्ते पे चलते ही जाएंगे। और एक आदमी ने कहा और आप कच्चा धुआं फुस 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 फुस, ये क्या है? ऐसा नहीं होना चाहिए। दृढ़ इरादा रखो, यकीन अपने अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला पे रखो, किसी की परवाह ना करो। जो ऐसा करते हैं चारों खाने चित होते हैं, वो किसी और का नहीं अपना अकाज कर लेते हैं। सो हमारा बताना फर्ज, मानना आपके हाथ में।